हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली हसन है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपकी जो विंडो 10 है उसमें एक आइकन आता है नीचे टास्क बार में, सर्च का आइकन भी आता है और सर्च का बॉक्स भी आता है, तो किस तरीके से आप उसको हाइड कर सकते हैं और किस तरीके से अनहाइड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चले कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सर्च का आइकन भी आ रहा है और सर्च का बॉक्स भी आ रहा है। तो उसको किस तरीके से हाइड करना है और अनहाइड करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च पे जाना है। अब देखिए तीन ऑप्शन आ रहा है, हाइड आ रहा है, शो सर्च आइकन आ रहा है, शो सर्च बॉक्स आ रहा है। मैंने हाइड कर दिया, दोनों चीज़ें गायब हो गया, आइकन भी गायब हो गया और बॉक्स भी गायब हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर दोबारा सर्च पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर सबसे पहले शो सर्च आइटम लिखूँगा, आइकन लिखूँगा, तो ये आइकन आ गया, सर्च का आइकन आ गया। उसके बाद मैं बॉक्स पे जाता हूँ, मैं दोबारा राइट क्लिक करूँगा और मैं सर्च पे जाऊँगा और मैं लिखूँगा शो सर्च बॉक्स, तो देखिए बॉक्स भी आ गया। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। चले दोबारा मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।